लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सातवें दिन की रेस तीन की कमाई को लेकर लोगों ने उड़ाया बॉबी और सलमान का मजाक, आपने देखा क्या? आए इन दिनों सलमान खान की फिल्म रेस तीन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। जब से यह फिल्म रिलीज हुई है तब से मीडिया में बस इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। एल रिलीज के पहले दिन फिल्म समीक्षकों द्वारा इस फिल्म को सुपर फ्लॉप घोषित कर दिया गया था, लेकिन पहले ही दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ का कलेक्शन करके और किसी का मुंह बंद कर दिया और तीन ही दिन में 106 करोड़ कमाने वाली 2018 की पहली फिल्म बनी रेस तीन। एल पिछले कुछ दिनों से इस फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आ रही है। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी और रविवार तक इस फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन सोमवार से इस फिल्म की कमाई में गिरावट होती चली आ रही है। एल जहां इस फिल्म ने तीन ही दिन में 100 करोड़ का धाकड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं पिछले चार दिनों से इस फिल्म की कमाई 50 करोड़ भी नहीं रही है। एल छठे दिन इस फिल्म में 8 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं सातवें दिन इस फिल्म का कलेक्शन उससे कम 7.50 करोड़ रहा और दिन ब दिन इस फिल्म की कमाई में कटौती ही होती चली आ रही है। इसके कारण लोग इस फिल्म का और सलमान खान का मजाक सोशल मीडिया पर बना रहे हैं और ट्रोलर्स ने इसी वजह से सलमान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे भाईजान सलमान का मजाक बनाया जा रहा है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है वे भी गुस्से में आकर इनका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि फिल्म की स्टोरी, रेमो डिसूजा का निर्देशन, घटिया गाने किसी को भी पसंद नहीं आए और कई लोगों का कहना है कि थिएटर में 2 घंटे निकालना भी मुश्किल हो गया था। आप देख सकते हो कि कैसे लोगों ने सलमान खान के फनी जोक्स बनाकर उनका मजाक बनाया है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन यह फिल्म 2018 की ब्लॉकबस्टर बन गई है, क्योंकि 7 दिन में इस फिल्म में 150 करोड़ खर्च कर लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो विदेशों में भी पूरी तरह से यह फिल्म छाई हुई है और यूएई में तो इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह सलमान खान की पहली फिल्म है जो यूएई में इतने दिन चली। यूएई के अलावा सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों को रेस तीन फिल्म काफी पसंद आ रही है और वे लोग भी सलमान खान की काफी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फनी जोक्स बनना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी वजह से बॉबी देओल, सलमान खान और पूरी टीम को ट्रोल किया जा रहा है। एल कभी सैफ अली खान को लेकर तो कभी रणबीर कपूर को लेकर। एल दोस्तों, वैसे आपका रेस तीन फिल्म के बारे में क्या कहना है? क्या आपको यह फिल्म पसंद आई? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस पोस्ट को लाइक कीजिए और